हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो आपको पता ही है हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो पेपर क्या हो गया, लीक। तो ये है आपका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, ये सेकेंड पार्ट है। आइए, तो हमें बेसिकली क्या, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं उनको साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज कर लीजिए। बट यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी ये साइन और कॉस की टर्म्स में है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली मैथमेटिक्स अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है क्या हमारे पास, कॉस ए ओवर वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। अब क्या कर सकते हैं, यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉस को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इधर। आई होप कि इस टाइप की आपको कैलकुलेशन आती है। तो जब आप कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहां पर क्या है, वन प्लस साइन ए, और यहां पर भी क्या है, वन प्लस साइन ए। तो जब आप वन प्लस साइन ए को वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। इंडिविजुअली कुछ बच्चे लगा देते हैं वन का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, विच इज रॉन्ग, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। यहां पर क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेने का यही तो तरीका भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन ए और साथ में क्या है, कॉस ए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन है क्या, कि इसको आप मल्टीप्लाई कर ले या फिर सॉल्व कर ले, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे, वरना यहां पर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर ए का, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर ए, यहां पर देखिए वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब कि यहां पर आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। देखिए जरा क्या किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। डिनोमिनेटर में क्या करना है भाई, ऐसे ही छोड़ दीजिए, जो भी है ऐसे ही उसको छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए आप, देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को पास पास में लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी हमें पता है, ठीक है। यहां पर क्या है, वन, और यहां पर क्या आ जाएगा, टू वन जा टू, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन ए, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है, वन प्लस साइन ए, और साथ में क्या है, कॉस ए। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है एंड दैट इज वन। तो इसकी जगह पर मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, आगे प्लस में क्या है, वन एक और है, और वन के बाद में क्या है, प्लस, और साथ में क्या है भाई, टू साइन ए। डिनोमिनेटर में क्या है, वन प्लस साइन ए, साथ में क्या है जी, कॉस ए। वन प्लस वन कितना होता है, टू, और यहां पर क्या है, टू साइन ए, डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन ए, और यहां पर क्या है, कॉस ए। देखिए टू क्या है, दोनों में कॉमन है, तो टू कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए, डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन ए, और साथ में क्या है, कॉस ए। वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल आउट, यहां पे क्या बचा, टू, और जरा सही से देखिए, वन ओवर कॉस क्या होता है, सेक थीटा। वन प्लस वन ओवर कॉस का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, या फिर सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको करना था। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, चाहे वो प्रीवियस क्लासेस या प्रीवियस चैप्टर की आइडेंटिटीज हो या फिर इस चैप्टर के, एटलीस्ट एलजेब्रा की सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने सारे के सारे इंट्रोडक्शंस और बाकी क्वेश्चंस किए हुए हैं तो, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।